ईस्टर्न नावल कमांड नौसेना दिवस एयर शो सहित फुल ड्रेस रिहर्सल समाप्त करछंती। ईस्टर्न नावल कमांड डिसेंबर 4 रे विशाखापट्टनम रे नौसेना दिवस पालन करिवो। एही कार्यक्रम रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोगदेवे। 1971 मसीह रे भारत पाकिस्तान युद्ध रे भारतर विजय को स्मरण करबा पई नौसेना दिवस पालन करा जाय। सेभळी 1971 युद्ध रे भारतीय नौसेनार क्षेपणास्त्र डंगा द्वारा आरंभ होइतिबा कराची बंदर उपरे होइतिबा साहसिक आक्रमण को स्मरण करिया पई एहा प्रतिवर्ष 4 डिसेंबर रे पालन करा जाय। तेबे एही आक्रमण पाकिस्तान समग्र उपकूल प्रतिरक्षा प्रणाली को दुर्बल कर देथिला एवं युद्धर अंतिम फलाफल पई एक निर्णायक पदक्षेप थिला। नौसेना दिवस एक अंश भाव ईस्टर्न नावल कमांड 4 डिसेंबर नौसेना दिवस कार्यक्रम पई फुल ड्रेस रिहर्सल आरंभ करथिला। विशाखापट्टनम रामकृष्ण समुद्रकूल निकटे आईएनएस तारागिनी, आईएनएस जलसा, बृहत्तम एमपीबीस ट्रांसपोर्ट डक एवं बुड़ा जहाज एवं विमान समेत 15 युद्ध जहाज अंशग्रहण कला। आइकनिक युद्ध विमान MIG-29K जहाँ आईएनएस विक्रमादित्य एवं आईएनएस विक्रांत विमान परिवहनकारी विमान विमान संपत्तिर एक अंश अंतर्भुक्त करे। सेमाने मध्य डिसेंबर 4 रे एयर शो रो अंश हेबार कार्यक्रम रहिछि। सेबळी P8I पोजिटन मध्य एक स्वल्प फ्लाई पैड करथिला। एहार आकार सहित दर्शक को वंग करथिला। मेरेन रे समुद्र कूल रे UH-3H सहित एक सर्च एवं उद्धार कार्यर रिहर्सल मध्य करा जायथिला। युद्ध जहाजर सिल्युट प्रतिच्छबी वज्रपात रे प्रज्वलित होई संध्या आकाशर पृष्ठभूमि विरुद्ध रे एक चमत्कार दृश्य तयार करि युद्ध परी दृश्य को अनुकरण करथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिन टीवी।